हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को यूट्यूब के कुछ नए अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे जानना आपको बहुत जरूरी है। और ये अपडेट्स जो है सभी यूट्यूबर के लिए काफी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है। तो इसे अच्छी तरह समझने के लिए आपको इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना पड़ेगा और बिना स्किप किए हुए वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा, तभी आप इसे अच्छी तरह समझ पाएंगे। आगे जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं YouTube के नए अपडेट्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं YouTube के चार नए अपडेट के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो फर्स्ट अपडेट है कम्युनिटी टैब को लेकर के। तो कम्युनिटी टैब में आज तक आप क्या करते थे, किसी का इमेज, खुद का इमेज, किसी के वीडियो का लिंक, सब कुछ शेयर करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब जो है इस अपडेट के बाद आप अपने कम्युनिटी टैब में जो भी इमेज या तो वीडियो पोस्ट करेंगे या तो किसी अदर पर्सन का वीडियो शेयर करेंगे, उसे आपने सोच समझ के करना होगा। YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आपने पोस्ट करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तब यदि आप अपने कम्युनिटी टैब में किसी अदर पर्सन के वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे और यदि उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा है जो कि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है, तो उसकी वजह से आपके भी YouTube चैनल पे स्ट्राइक पड़ सकता है। तो अब जो है इन फ्यूचर आप अपने कम्युनिटी टैब में कुछ भी पोस्ट करेंगे, फोटो पोस्ट करें या तो किसी अदर पर्सन के वीडियो का लिंक शेयर करेंगे, तो आपको बिल्कुल YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए करना है। आप किसी अदर पर्सन का वीडियो का लिंक यदि शेयर करना चाहते हैं तो पहले उस वीडियो को आपने अच्छी तरह वॉच करना होगा कि ये वीडियो में कुछ ऐसा तो नहीं है जो YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है, ताकि आपके चैनल पे भी प्रॉब्लम आ सकता है, आपके चैनल पे भी उसकी वजह से स्ट्राइक मिल सकता है। तो आगे इन फ्यूचर आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं सेकेंड अपडेट के बारे में, जो है फॉर यू टैब को लेकर। तो यदि आपके चैनल पे कोई विजिट करता है तो फर्स्ट में उन्हें फॉर यू का ऑप्शन दिखेगा, और आपके चैनल पे आने से पहले उन्होंने जिस टॉपिक की वीडियो को सर्च करके आपके चैनल पे आए हैं, फिर उनको क्या है फॉर यू के ऑप्शन में आपके चैनल पे उस टॉपिक की सारी वीडियो दिखेगा, ठीक है। और आपके चैनल पे जो विजिट करते हैं तो उन्हें फर्स्ट में फॉर यू का ऑप्शन दिखेगा, और आपके चैनल के जिस टॉपिक की वीडियो को वो वॉच करते हैं तो उस टॉपिक की आपके चैनल की सारी वीडियो उन्हें फॉर यू में दिखेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट है सभी यूट्यूबर के लिए, क्योंकि इस तरह से ऑडियंस आपके एक वीडियो को देखने के साथ साथ दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, तो इस तरह से आपके वीडियोज पे व्यूज इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं थर्ड अपडेट के बारे में, जो यूट्यूब एड्स को लेकर के है। तो एड्स को लेकर के बहुत पहले अपडेट आ गया था, लेकिन वो नवंबर में स्टार्ट होना था, जो कि अब स्टार्ट हो चुका है। तो आपके वीडियो पे जो भी एड्स चलेगा उसका कंट्रोल जो है यूट्यूब करेगा। आगे यदि आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो इसको लेकर के मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आप जानते हैं फोर्थ अपडेट के बारे में, जो है एडल्ट कंटेंट को लेकर। तो पहले जो है आपके वीडियो पे यदि एडल्ट कंटेंट है तो आपको वहां पे येलो डॉलर मिलता था, जिससे अर्निंग नहीं होती थी। लेकिन अब जो है आप सेमी एडल्ट कंटेंट डाल सकते हैं, चैनल भी मोनेटाइज होगा और येलो डॉलर नहीं ग्रीन डॉलर ही बनेगा आपका, ठीक है। लेकिन आप यदि सेमी एडल्ट कंटेंट यूज करते हैं तो उसमें उतना ही होना चाहिए जो कि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन का अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। आपको YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए YouTube पे काम करना है और उसी तरह का वीडियो अपलोड करना है, ठीक है। आप यदि सेमी एडल्ट कंटेंट यूज करते हैं तो उतना ही करना है जितना YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन अलाउ करता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आगे ये वीडियो आपको कैसा लगा पक्का कमेंट कीजिएगा, और यदि थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और जो फर्स्ट बार ज्वाइन किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।